Hello everyone. I have got request to discuss about infertility. So today's topic will be infertility. Infertility means failure to conceive after 1 year of trial. Infertility further is of two types. First is primary and second secondary. Primary infertility means when the couple never conceives for a single time even, and the secondary infertility means that there is a conception, there was a conception irrespective of the outcome. Outcome kuch bhi raha ho, may it be abort, abortion, spontaneous or MTP, termination of pregnancy or a live baby. And after that conception becomes difficult. तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कंसिडर करते हैं और प्राइमरी इनफर्टिलिटी कभी भी कंसीव ना होना इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी. तो इनफर्टिलिटी जो है उसके मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही फैक्टर्स रहते हैं, दोनों कारण रहते हैं. मेल फैक्टर्स जो हैं उसमें सेमेन एनालिसिस हम कराते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कारण हैं जैसे स्पर्म्स का ना बनना या स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन ना होना या इजेकुलेशन और इरेक्टाइल प्रॉब्लम होना. और फीमेल्स में ओवरी से लेकर यूट्रस तक बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फीमेल्स के कारण बनते हैं इनफर्टिलिटी के. फॉर एग्जांपल पीओएफ. पीओएफ मींस प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर, मतलब ओवम बन ही नहीं रहा है, ओवरी जो है ओवम को एग्स को बना ही नहीं रही है. Then comes PCOD is also a factor. Then the tubal blockage, ovulation, improper ovulation, and the further one is uterine tuberculosis also may be a cause. Or कुछ systematic causes होते हैं, systemic causes होते हैं, जैसे thyroid dysfunction is a important cause, hormonal dysfunctions, hormonal imbalance is also a cause. तो इस तरह के बहुत से ऐसे causes हैं जो males and females दोनों के कारण infertility हो सकती है. Then investigations पे आए तो males के लिए हम semen analysis advise करते हैं and females के लिए जो है first of all ultrasound with follicular study. Follicular study का मतलब होता है follicle का हम size देखते हैं कि फॉलिकुलर कितने साइज में बढ़ता चला जा रहा है. तो ये जो है ये 8 से 10 दिन पे स्टार्ट करते हैं ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. डे 8 to day 10 से स्टार्ट होता है और अल्टरनेट डेज पे हम कराते हैं. कई बार हमें डेली भी कराना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ फॉलिकुलर. एंड ओव्यूलेशन तक हम ये स्टडी कराते हैं फॉलिकुलर स्टडी. 4 to 5 अल्ट्रासाउंड्स आर रिक्वायर्ड एंड टिल 16th or 18th डे ओव्यूलेशन अकर्स. ओव्यूलेशन होती है जिससे कि जो है एग रप्चर करता है, तो वो हमें देखना होता है कि एग रप्चर हो रहा है, फॉलिकल का साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली उस फॉलिकल का रप्चर होके जो है ओव्यूलेशन हुई या नहीं हुई. देन कुछ एक जो है ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं जिसमें हम हार्मोन्स का टेस्ट कराते हैं, थायराइड टेस्ट होता है, ब्लड शुगर टेस्ट होता है. ये भी कुछ कॉजेस रहते हैं इनफर्टिलिटी के. फर्दर एचएसजी, हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी, जो कि ट्यूबल ब्लॉकेज को डिटेक्ट करती है कि ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है. तो इफ देयर इज ब्लॉकेज देन उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की जाती है. देन कई बार हमें यूट्राइन बायोप्सी भी करनी पड़ती है, ईबी एंडोमेट्रियल बायोप्सी. उससे जो है हम डिटेक्ट करते हैं यूट्राइन पैथोलॉजी को, यूट्रस में किसी तरह की कोई पैथोलॉजी तो नहीं है या कोई ट्यूबरकुलर कॉज तो नहीं है. फर्दर आप ट्रीटमेंट पे अगर आए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसकी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है. आयुर्वेद में हम कुछ एक हर्ब्स देते हैं, कुछ जो हर्ब्स हैं फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा है, शतावरी है, दशमूल है, इनका गुड़ूची है और एलोवेरा दिया जा सकता है.
इनके जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हार्मोन्स का बैलेंस प्रॉपर करते हैं, यूट्रस को प्यूरिफाई करते हैं। कुछ एक स्पाइसेस फॉर एग्जांपल टर्मरिक, टर्मरिक बहुत ही अच्छा जो है हार्मोन्स को अपने टारगेट ऑर्गन पे काम करने के लिए प्रोवोक करता है। तो टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी दी जा सकती है, हल्दी को अच्छी क्वांटिटी में यूज किया जाए। जीरा, क्यूमिन सीड्स, जीरा जो है जीरे से यूट्रस और मेल्स में जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट प्यूरिफाई होता है। ब्लैक क्यूमिन और सफेद दोनों इफेक्टिव रहते हैं। देन फर्दर हम देखें तो डाइट इम्प्रूवमेंट इज मस्ट, क्योंकि विटामिन डी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ओवा एंड स्पर्म टू डेवेलप। सो सनलाइट इज ऑल्सो मस्ट, तो और जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए। अच्छी क्वांटिटी में वाटर लेना इफेक्टिव है। और घरेलू ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें लेना चाहिए। दूध, घी, कुछ बाजीकरण औषधियां भी बताई हैं हमारे आयुर्वेद में, जैसे दूध, घी और नट्स हैं, बादाम है, उड़द की दाल बहुत ही इफेक्टिव बताई है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो इन चीजों को लेते हुए और साथ ही जो है कुछ मेडिसिन्स जैसा कि मैंने बताया अश्वगंधा, अशोक है, पुनर्नवा है, शतावरी है, गिलोय है, ये सभी इफेक्टिव मेडिसिन्स रहती हैं। और कुछ प्रिपरेशंस हैं, नॉट सिंगल ड्रग्स आर रिक्वायर्ड बट द कॉम्बिनेशंस आर रिक्वायर्ड। एंड फॉर दिस, फॉर इनफर्टिलिटी, कंसल्ट द डॉक्टर, कंसल्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन। एंड दिस इज द इफेक्टिव मेडिसिन, आयुर्वेद इज वेरी इफेक्टिव इन इनफर्टिलिटी।